पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पहली बारिश में ही स्मार्ट सिटी की पोल खुलकर रह गई। शहर की पॉश कॉलोनियों से लेकर शहर के अंदरूनी इलाकों में जलभराव हो गया। तलीझाड़ नाला सफाई नहीं होने से गंदा और बदबूदार पानी सड़क पर आ गया। इससे राहगीरों के अलावा स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनमें नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश नजर आया। जेल के पीछे ताड़ीखाना, कोतवाली के पास पीरगैव, टीडीआई सिटी, पीतल बस्ती, धक्का, कुंदनपुर, वारसी नगर आदि इलाकों में जलभराव हुआ। टीडीआई सिटी स्थित ग्रीन लैंड सोसाइटी के पास तो सड़क पर करीब आधा फीट जल जमा होने के कारण वाहनों के अंदर पानी घुस गया। कुछ वाहन बीच में ही जलभराव में अचानक बंद हो गए। स्कूटी सवार लोग भी बीच पानी में ही वाहन से गिरते हुए नजर आए। पीतल बस्ती, ताड़ीखाना, कोतवाली और टीडीआई के साथ चाव की बस्ती, धक्का, कुंदनपुर, वारसी नगर का इससे भी ज्यादा बुरा हाल दिखा। क्या नाम है आपको? मेरा नाम विपिन पाल है। विपिन जी, कौन सी जगह और क्या समस्या? कुंदनपुर धक्का, ये मैन धक्का में लगता है। ये है कि यहाँ पर ये नाला जो है, मतलब अब तो बारिश पड़ रही है तो ये हाल है। बारिश ना पड़ने से पहले भी यही हाल था यहाँ का, क्योंकि ये ओवरफ्लो होता रहता है नाला। और आम दिनों में भी, अब तो ये बरसात का सीजन है, उससे पहले भी बहुत गंदगी माहौल यहाँ का बहुत ज्यादा गंदा रहता है, जिससे कि बीमारियां आती है। आम जीवन खराब है यहाँ, बहुत ज्यादा परेशानी है। और यहाँ पर अभी बीच में जैसे कि अभी पानी भरा है तो आम आदमी को पता नहीं, कोई नया आदमी आता है तो रोड ये नाला भरा है तो वो कहीं कहीं टूटी पड़ी है तो आम आदमी गिर जाता है या फिर उसे चोट लग जाती है, बहुत परेशानी होती है और गंदगी बहुत है इधर। क्या नगर निगम के जो सफाई कर्मी आते हैं नाला साफ करने नहीं आते? अगर नगर निगम की लापरवाही है तभी तो ये सब ऐसा है। अगर नगर निगम की लापरवाही ना होती तो बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहते हैं कि ये अच्छा रहे, जैसे कि और मेन रोड अच्छे रहते हैं, ये भी मेन रोड है, इसको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। काफी बीमारी है आम लोग की, परेशानी है काफी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशेष कुमार है। कौन सी जगह है? ये धक्का है जी। ये बताइए, पानी की समस्या है, कब से आ रही है समस्या? यहाँ पे समस्या रहती है, हमेशा पानी भरा रहता है। इस टाइम पे बारिश हो जाती है तो घरों तक के अंदर पानी पहुंच जाता है। और यहाँ पे नाला सही नहीं हुआ है तो नाले की वजह से बाहर को पानी आता रहता है तो गंदगी रहती है हमेशा। और यहाँ पे आने जाने वालों की बहुत समस्या रहती है। हम लाइब्रेरी आते हैं तो लाइब्रेरी पर भी आने में बच्चों को समस्या रहती है बहुत ज्यादा, ना निकलने की जगह रहती है, ना पूरा रोड जाम हो जाता है पानी की वजह से। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।